एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री से बॉलीवुड आने के पीछे सनी लियोन का मकसद सिर्फ इतना था कि वह अपनी इमेज बदलना चाहती थीं। लेकिन उनके 5 साल लंबे बॉलीवुड करियर पर नजर डालें तो उनके हिस्से जिस्म रागिनी एमएमएस दो, वन नाइट स्टैंड और तेरा इंतजार जैसी फिल्में ही मिली हैं। इन फिल्मों में उनके रोल से ज्यादा फोकस प्रदर्शन पर ही रहा, लिहाजा अब सनी लियोन ने करियर से जुड़ा बड़ा फैसला किया है। सनी लियोन ने अब साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की ओर रुख करने का फैसला किया है। उन्होंने एक तेलुगु फिल्म भी साइन कर ली है। फिल्म का नाम फिलहाल तय नहीं हुआ है। नए प्रोजेक्ट के बारे में सनी लियोन ने कहा, मुझे उम्मीद है कि इस फिल्म के बाद मेरी इमेज बदल जाएगी। मैं हमेशा से एक्शन सीक्वेंस करना चाहती थी। सालों से मैं ऐसी स्क्रिप्ट का इंतजार कर रही थी। सनी लियोन ने कहा, मैंने उसी पल से फिल्म के लिए तैयारी शुरू कर दी थी जब से डायरेक्टर ने मुझे स्क्रिप्ट सुनाई। सनी लियोन ने कहा कि साउथ इंडिया के लिए उनके दिल में खास जगह है। उन्होंने कहा, तेलुगु फिल्म करने को लेकर मैं बहुत उत्साहित हूं। साउथ इंडिया, खासकर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में मेरे ढेर सारे फैंस हैं। सनी लियोन की यह फिल्म पीरियड ड्रामा होगी जिसके लिए उन्हें तलवारबाजी और घुड़सवारी भी सीखनी होगी। बताया जा रहा है कि फिल्म में सनी लियोन का नया अवतार देखने को मिलेगा। इस फिल्म को वीसी वदी उद्यान डायरेक्ट करेंगे। फिल्म तमिल और हिंदी में भी रिलीज होगी। यह पहला मौका नहीं होगा जब सनी लियोन दक्षिण भारतीय फिल्म में नजर आई हों। साल 2015 में आई कन्नड़ फिल्म डीके में वे से समा गाने पर ठुमके लगाते नजर आई थीं। साउथ इंडिया में सनी लियोन की जबरदस्त फैन फॉलोविंग है। इसकी बानगी तब देखने को मिली जब वे एक स्मार्टफोन की लॉन्चिंग के सिलसिले में इस साल अगस्त में केरल की राजधानी कोचिकी थी। उस दिन उनके कार के पास फैंस की इतनी भीड़ इकट्ठा हुई कि यह तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। सनी लियोन की हालिया रिलीज बॉलीवुड फिल्म तेरा इंतजार बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पा रही है। ओपनिंग डे पर फिल्म की कमाई सिर्फ 45 लाख रुपए रही। उनके लिए राहत की बात यह है कि इस साल वे इंटरनेट पर सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस बन गई हैं। इस रेस में उन्होंने प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण, करीना कपूर खान जैसी बड़ी हीरोइनों को पीछे छोड़ दिया है।